रेल कर्मचारियों ने डीआरएम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, बीसीए बीबीए फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस अब तक नहीं मिलने के चलते कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आज यूपीआरएमएस की ओर से डीआरएम कार्यालय में लंच के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द बोनस का भुगतान व घोषणा करने की मांग की गई है। यूपीआरएमएस से जुड़े कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच सरकार द्वारा अब तक कर्मचारियों को दीपावली का बोनस का भुगतान करने की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और सभी ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अगर दुर्गाष्टमी तक वेतन का भुगतान नहीं होता तो फिर बिना सरकार व प्रशासन को बताए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें चक्का जाम भी किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 की बोनस का भुगतान का घोषणा आज 20 तारीख हो गई अभी तक नहीं करने के विरोध में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा कल से पूरा NWR में NFIR के आह्वान पर पूरा भारत रेलवे में इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत आज मंडल कार्यालय में भोजनावकाश के समय उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा ये विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का कोशिश किया है। अगर 21 तारीख तक बोनस का घोषणा भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाने की स्थिति में उसके पश्चात फेडरेशन के आह्वान पर सीधे एक्शन में आने के लिए फेडरेशन ने चेतावनी सरकार को दिया है। उसका क्रियान्वयन करने का कार्य उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और भारतीय रेलवे का तमाम कर्मचारी करेंगे। मैं SI जैकब मंडल अध्यक्ष UP। रिपीट करूँगा।